अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। डस्का मलिक मुबशर, तहसील रिपोर्टर, विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक, रुकन कौमी असम्बली एन ए 75 सैयदा नौशीन इफ्तखार ने कहा है कि हम इस वक्त जिन मुश्किलात हालात से गुजर रहे हैं वो सब पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से है। मियां नवाज शरीफ की आते ही ये मुश्किल दौर भी खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान दोबारा अमन का गहवारा बनेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 17 में नादर ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में किया। उन्होंने कहा कि मैंने हल्के के आवाम से जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए दिन रात कोशा हूँ। जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम सैयद इफ्तिखार हसन शाह ने कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से वफादारी निभाई, उनकी ये बेटी भी निभाएगी। मैं मशकूर हूँ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से कि मुश्किल हालात के बावजूद मेरे हल्के की आवाम के लिए मेरे साथ हैं और वो जल्द हल्का में तरक्याती कामों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। साबिक चेयरमैन चौधरी आसिफ एजाज सिंधु ने अहले तरह की तरफ से पार्टी की आदत और सैयदा नौशीन इफ्तिखार का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से साहिबजादा सैयद अताउल हसन, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद अफजल मनशा व दीगर ने भी खिताब किया।